जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पे आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर लिखित सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और उस सत्संग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, वंस अगेन। गुरु जी की शरण में हम जब से आए, बस उनकी मेहर ही मेहर है। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, तब से यूं महसूस होता है कि जैसे हमारे सर के ऊपर एक प्रोटेक्शन है। गुरु जी के होते हुए हमें कभी किसी चीज की फिक्र नहीं हुई। वी आर ह्यूमन, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं कि डर नहीं जाते, पर गुरु जी की इतनी मेहरबानियां कि जितना शुक्राना उनका करें उतना थोड़ा। कभी यूं महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले, हमारा परिवार अकेला, उनकी बहुत 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 मेहर है। आपने मेरे हस्बैंड का, संधु अंकल का सत्संग सुना होगा, तो बस जब से हमने जाना शुरू किया गुरु जी के पास, उसके बाद गुरु जी के ही हो गए। मैं आपके साथ दो सत्संग शुरू शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हमें गुरु जी के पास जाते कुछ समय हो गया था और गुरु जी ने पहले मेरे को, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया था, मेनियस की प्रॉब्लम थी मेरी, मेनियस डिजीज, जो इनर एयर में फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा नौजिया और वर्टिगो और बहुत प्रॉब्लम थी। तो गुरु जी ने वो मेरे बगैर उनसे बताए, उन्होंने हील कर। तो कुछ महीने बाद गुरु जी के पास हम जाते थे, गुरु जी के सत्संग सुनते थे। ये भी पता था कि गुरु जी सारी तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं, तो ये सोच के कभी हिम्मत नहीं होती थी कि उनको अपनी कोई तकलीफ बताएं। पता था कि तकलीफ जो है वो गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर को दिखाया, दिल्ली में पहुंचते थे हम सब, डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया कि ये आपका रेटिना के ऊपर अंदर की तरफ से इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से इट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम, आपको नजर भी जा सकती है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड जो है वो हमको एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे, और उससे एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि अगर आपके अंदर, जो हम सब में लेटेंट टीबी तो होती है, तो कहते कि कई बार वो टीबी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, तो आपको उससे पहले टीबी का टेस्ट कराना होगा। तो टीबी का टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव, तो और परेशानी हुई। स्टीरॉइड्स लेने से हम लोग सब घबराते हैं, मैं तो दवाई लेने के हक में ही नहीं होती हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसी कश्मकश में गुरुजी का हुक्म था कि हम चारों दिन आए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बड़ी मेहर थी उनकी। तो हम लोग उनके पास पहुँचते थे, सबसे पहले पहुँचते थे ताकि जितना टाइम उनके साथ गुजार सके गुजारें। गुरु जी के पास जब पहुंचे तो मेरा फैसला था, जैसे मैंने पहले नहीं बताया था गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम, मैंने सोचा था बताऊंगी तो अब भी नहीं, वो जानी जान है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन परेशानी भी बहुत ज्यादा। तो वहां एक संगत में वेरी डियर लेडी, स्वामी कहती कि यू आर नॉट योर चेयरफुल सेल्फ टुडे आंटी, व्हाट्स रॉन्ग।
तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, तो कहती बोलो ना फिर जाके गुरु जी को, व्हाई डोंट यू गो एंड टेल हिम। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी को मैं बताऊंगी। कहती ले जाओ बरियान जी, मैं जाती हूँ, मैं बताती हूँ। और मेरे वो रोकते हुए भी वो चली गई और उन्होंने गुरु जी को बताया। तो सत्संग चलता रहा, लंगर हुआ, लंगर के बाद फिर हमको गुरु जी जब तक इजाजत नहीं देते थे हम कभी उठ के जाते नहीं थे। तो सत्संग चलता रहा काफी लेट तक। अल्टीमेटली जब उठे गुरु जी का हुक्म हुआ, चलो संधु आंटी बहुत ब्लेसिंग हो गई, चलो, यूं ही बोला करते थे। और हम लोग नजरें चुराते थे कि कहीं गुरु जी उठा ना दे हमको। तो जब मत्था टेकने का टाइम आया तो मैं बड़ी उम्मीद से कि गुरु जी को बता दिया है अब उन्होंने। तो जब मैंने मत्था टेका तो गुरु जी चुप, कुछ बोले नहीं। तो और टेंशन हो गई, तो फिर मैंने फिर से गुरु जी की तरफ देखा। तो वो तो आपको पता है, वो तो जानी जान। तो मेरे को कहते ठीक है, मैं तेरा डॉक्टर। मैं क्या डॉक्टर? कहता है जी के टीबी आपकी पॉजिटिव है और स्टीरोइड ही इसका इलाज है। स्ट्रॉन्ग स्टीरोइड लेने पड़ेंगे तो उससे फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कहते ला कोई नहीं, टीबी टूबी है, मैं मारता डॉक्टर, तू ऐसा कर तू शायद लेके आ, फिर खुल पे आ ना फिरोजपुर वाला शहर शायद। तो अब तक हम गुरु जी को जानते थे कि उनको सब पता है। उनको ये तक पता था कि जो मेरे घर में शहद रहता है वो फिरोजपुर से मेरे पेरेंट्स के फार्म से आता है। तो ये तक अब हम ऐसी बातें वो गुरु जी से करते थोड़े थे। तो कहते ले क्या, मैं ब्लस कर दिया, नहीं कुछ नहीं होना, अब खर्च पाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। I was greedy. The next day, the biggest pot that I could find, I filled it up with the honey. और मैंने गुरु जी के हजूर किया, कहते बस करता ब्लेस डाउन ऐश करो। तो उसके थोड़े दिन बाद ही मैंने आना था चंडीगढ़। तो हमने फैसला कर लिया था कि वहीं इलाज कराएंगे। वहाँ चंडीगढ़ में हमारे डिस्टेंट रिलेटिव हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने फैसला किया था कि वहीं से मैं जो भी कराना होगा वो कराएंगे। तो यहाँ आए तो उनको दिखाया तो वो कहते हैं आंटी प्रॉब्लम तो है काफ़ी है और आपकी टीबी भी एक्टिवेट इज पॉजिटिव। सो व्हाट वील डू इज वील गिव यू अ वेरी माइल्ड डोज ऑफ स्टीरॉयड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरु जी का दिया हुआ शहद मुझे आया याद, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इज इट ओके इफ आई यूज हनी इन माई आईज? His eyes nearly popped out. वो शॉक रह गया। कहता आंटी आप पढ़े लिखे हो मुझे पता है, तो ये आप क्या बात कर रहे हो? आंखों में शहद जब इतनी खराब हालत है आपकी आंखों बिल्कुल भी नहीं, आप सोचिए भी मत। एक चीज ध्यान आया कैसे? अब मैंने उससे गुरु जी की कोई बात नहीं। Anyway, he gave me medicines which I had to put in my eyes number of times in a day. हर दो घंटे बाद के शायद ऐसा कुछ वो मेरे को डालनी। अब वो डालते डालते बीच में मैंने अपना गुरु जी का शहद बंद नहीं करा। I would carry on putting that honey, blessed honey, in my eyes morning and evening. और बहुत
गुरु जी को कोई भरोसा ना करने की तो कोई बात ही नहीं थी ना। तो हफ्ते बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे खुद को महसूस हो रहा था कि माई आई अ लॉट बेटर। तो डॉक्टर के पास जब गए उससे मेरी आईज टेस्ट कर ली, उसने मेरे को पहले ये भी बोला कि आप अपना ये टीबी का टेस्ट फिर से करा के आइए, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी कि जो मैंने बड़ा माइल्ड डोज दिया उससे गड़बड़ तो नहीं हुई। सो आई हैड गॉट दैट डन और सूर्य जी से मैं से वो बिल्कुल नेगेटिव नो साइन ऑफ टीबी। वो तो पता ही था जब गुरु जी के आपने सरेंडर कर दिया और गुरु जी की मेहर तो होनी होनी है। तो डॉक्टर मेरे को कहता है आंटी आप रिजेक्ट में आए तो सर डू यू बिलीव इन गॉड। ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड। तो कहता मैंने ऐसी मिरेकुलस हीलिंग नहीं देखी, ये तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही थी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास एक लड़की 3 महीने से आ रही है, उसकी जो प्रॉब्लम है सेम फोरोडाइटिस इट इज मच वर्स देन योर सॉरी इट्स मच माइल्डर देन योर एंड उसको मैं 3 महीने से यही दवाई दे रहा हूँ बल्कि हैवियर डोजेस दे रहा हूँ और उसके जरा भी फर्क नहीं पड़ा, नॉट इवन 10%। तो कहता आपकी तो आंखें एकदम साफ हो गई हैं। तो ये तो आई मीन ही वॉज डंबफाउंडेड दैट एन एल्डरली लेडीज आईज हैड हील्ड सो फास्ट। अब मैंने उनको बताया नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू टेक अवे हिज यू नो आई वॉन्ट टू गिव हिम द क्रेडिट। गुरु जी हमारे यहाँ हमको पता है गुरु जी ने ही कराए, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। सो आई थैंक हिम प्रोफ्यूसली एंड आई सेड यस आई नो आई बिलीव इन गॉड एंड आई एम श्योर गॉड हैज हील्ड मी। इन फैक्ट आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन गॉड हैज हील्ड मी। सो ये थे हमारे गुरु जी। आपने अगर सरेंडर कर दिया ना तो बस फिर बेफिक्र होके बैठ जाओ। अगर आपका 100% नहीं होता तो उसमें भी भलाई है, जो गुरु जी चाहते हैं वो ही होगा और आपके भले के लिए ही होगा। सो दैट वॉज माई फर्स्ट सत्संग। दूसरा और भी बढ़िया, हम लोग गुरु जी के पास जल्दी में ही आना शुरू हुए। जब हम आते थे तो वो हॉल छोटा था और उसमें इतने ज्यादा लोग होते थे कि मिस्टर कक्कर जो थे वो इनकी सेवा यही थी कि जितने लोगों को एडजस्ट कर सको वो करते थे बेचारे। तो उसमें बड़ी लोगों की अनप्लेजनेस भी हो जाती थी बिकॉज ही वुड कीप से आंटी पीछे आंटी पीछे आंटी पीछे। वो करते करते हॉल जाम पैक हो जाता था। तो शुरू में जब हम गए ना मेरे को हमको जाते कुछ टाइम ही हुआ था, तो उस दिन हम थोड़ा लेट हो गए। फिर तो जब पहुंचे तो हॉल तकरीबन फुल था और जो भी उधर सेवादार थे मुझे ध्यान नहीं कौन, उन्होंने मुझे बिल्कुल गुरु जी के चरणों में ही बिठा दिया बिल्कुल पास अबाउट यू नो अबाउट 2 फीट अवे।